हेलो बड़े फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द अंदाज़ उसने फिल्म अनअकैडमी। हेलो बड़े फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? नमस्ते इंडिया, देसी घी से। ओके, सो वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। हेलो नसर, ओके, आई एम ऑडिबल गाइस, सो वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म। सो दिस वॉज इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेट ऑफ थ्रोन, जो कि अन अकेडमी पर स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल द ब्रांचेस। सो यू कैन ज्वाइन दिस सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर कर दीजिए लेक्चर सभी लोग अपने आपस में। वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म अकेडमी। जल्दी से सभी लोग अपना लेक्चर शेयर कर देंगे, ओके, जिससे कि और स्टूडेंट जुड़ पाए। सो वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी। अगर जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान। आई एम हैविंग 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर मोर देन 100,000 स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया एंड वर्क एज सीनियर फैकल्टी इन मेनी रेपूटेड अक्रॉस इंडिया। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डाउनलोड दिस ऐप। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर पठान कोड आपको अप्लाई करना है, और पठान कोड अप्लाई करते ही आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस सारी देख पाएंगे, और जितनी भी स्पेशल क्लासेस आप देखते हैं उन्हीं सबके लिए आपको क्रेडिट कॉइंस दिए जाते हैं। मेरी प्रोफाइल को आप चाहें तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ रहा होगा, यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल टू फॉलो माई स्पेशल क्लासेज। अभी HMT हमने कवर किया है, वैसे अभी टेस्ट सीरीज भी हम लोग कवर करेंगे, तो यू कैन फॉलो मी ऑन द स्पेशल क्लासेज ऑल्सो। सो अनअकैडमी के दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी बैचेस, रैंक राउंड बैचेस। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्टलाइज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन दिए जाते हैं। प्लस के अगर प्लान की बात करें, 29,205 12 मंथ का प्लान पड़ेगा। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं, 2,434 अगर आपको पर मंथ EMI ये पड़ेगा। 24 मंथ का 42,480 आपको पर मंथ का EMI पड़ता है, 1,770। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, 45,225 पर मंथ EMI पड़ेगा आपको, 3769। अनअकैडमी आज के डाउट पर आपने डाउट को आप पोस्ट कर सकते हो अनअकैडमी पर, और उसके हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश इन हिंदी यू कैन गेट। अनअकैडमी कॉम्प्लेक्स एक वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि हर संडे होता है सुबह 11 बजे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को भी होने वाला है, स्टार्ट फ्रॉम 11 AM यू कैन ज्वाइन दिस। इस वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी जी सकते हैं। जो नए बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, तो अब नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही। आरोहन बैच जो है उसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है 20 अक्टूबर से, ओके। सो इन अवर लास्ट क्लासेस वी डिस्कस ऑल द प्रिंसिपल ऑफ पंप। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पंप में डिस्कस की थी, उसके साथ साथ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबडी, बच्चे लोग आए नहीं आए अभी तक, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, या फिर करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पंप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पंप, ठीक है। सभी बच्चा लोग सेशन को लाइक कर देते हैं और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। माय प्रोफाइल लिंक गिवन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, सो व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ पंप या करेक्टरिस्टिक कर्व। देखिए यार, करेक्टरिस्टिक कर्व हम क्यों बनाते हैं और क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसका एक मेन रीज़न बहुत साफ है। अगर आप किसी डीलर से पंप लेने जा रहे हो तो आप डीलर से ये मांगो कि भाई इसके करेक्टरिस्टिक कर्व क्या है,
क्योंकि करेक्टरिस्टिक कर्व क्या करते हैं, पंप की टेस्टिंग बेसिकली हम पंप को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करते हैं, और उन टेस्ट से जो रिजल्ट आते हैं उसको हम कर्व के रूप में फॉर्म करते हैं, एंड दैट कर्व इज नोन एज करेक्टरिस्टिक कर्व। तो करेक्टरिस्टिक कर्व का बेसिक काम ये होता है कि जो पंप है उसकी करेक्टरिस्टिक बताना, भाई इस ऑपरेटिंग कंडीशन में इस तरह से काम करेगा, हेड चेंज कर दोगे तो इस तरह से काम कर देगा, स्पीड चेंज करोगे तो इस तरह से काम करेगा, डिस्चार्ज वेरी करोगे तो इस तरह से काम करेगा। तो करेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली पंप के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। सो व्हेन यू चेंज द परफॉर्मेंस, अगर आप वहां पर स्पीड चेंज करोगे, डिस्चार्ज चेंज करोगे, हेड चेंज करोगे, तो उन अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन के अबाउट पंप की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब एफिशिएंसी क्या आ रही है, पंप में पावर आउट कितना कंजप्शन हो रहा है, लॉसेस क्या आ रहे हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना बना, ये सब बातें हमको इसमें मिल जाती। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पंप करेक्टरिस्टिक कर्व। अब ये बात आपको समझ में आ गई, ये सुनो। सो पम्प इज यूजली डिजाइन फॉर वन स्पीड फ्लो रेट एंड हेड, बट एक्चुअल प्रैक्टिस द ऑपरेशन मे बी एट सम अदर कंडीशन ऑफ हेड और फ्लो रेट और द चेंज कंडीशन द बिहेवियर ऑफ द पम्प मे बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, एज इंडिकेटेड अर्लियर, क्योंकि पम्प जो है एक सेट आरपीएम, सेट फ्लो रेट और सेट हेड के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब कंडीशन वेरी करेगी तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी वेरी कर सकता है। In order to predict the behavior of the performance of pump under varying conditions, tests are performed and the result of the test are plotted. ठीक है, the curve obtained are known as characteristic curve. तो उस टेस्ट से जो कर्व आते हैं, that curve is known as characteristic curve. So now characteristic curve divided in three group. First is called main and operating characteristic curve. Second is called constant efficiency or Masculine curve. थर्ड इज कॉल कॉन्स्टेंट हेड एंड कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज कर्व। तो करेक्टरिस्टिक कर्व को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो सबसे पहले बात करते हैं मेन एंड ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, मेन एंड ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेन करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पंप इज ऑपरेटेड एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, फॉर इस ईच स्पीड द रेट ऑफ फ्लो इज क्यू वेरीड। तो मेन करेक्टरिस्टिक कर्व में हम क्या करते हैं, आरपीएम को वेरी करते हैं। ठीक है, वेरी करते हैं, और हर स्पीड के लिए, एक कांस्टेंट स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज को वेरी करते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच स्पीड, पहली बात तो हम आरपीएम को अलग अलग आरपीएम पर टेस्ट करेंगे और हर आरपीएम पर डिस्चार्ज को वेरी करके देखेंगे। तो इन ईच स्पीड द रेट ऑफ फ्लो क्यू वेरीड बाय मींस ऑफ डिलीवरी वॉल्व। तो हर स्पीड के लिए हमने एक स्पीड फिक्स कर दी, मान लीजिए 300 आरपीएम, 400 आरपीएम, अब हम क्यू को वेरी करा रहे हैं फॉर डिलीवरी वॉल्व। और कैसे वेरी कराएंगे, जो डिलीवरी वॉल्व है उसको ओपन और क्लोज करेंगे, मतलब ज्यादा बंद खोल देंगे तो ज्यादा डिस्चार्ज आएगा, कम खोलेंगे तो कम डिस्चार्ज फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी वॉल्व को वेरी कराएंगे, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मैनोमेट्रिक हेड। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ क्यू के लिए हम फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला मैनोमेट्रिक हेड कैलकुलेट करेंगे, शाफ्ट पावर कैलकुलेट करेंगे, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी वेरी करेंगे। तो ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व में क्या करना है आपको, स्पीड पहले, एक स्पीड कॉन्स्टेंट रख के पहले डिस्चार्ज को वेरी करना है, और फिर अलग अलग स्पीड पर ये कर्व बनाने हैं आपको। पहले स्पीड कॉन्स्टेंट रख के डिस्चार्ज को वेरी करना है, फिर अलग अलग स्पीड के अबाउट ये कर्व आपको प्लॉट करने हैं। और कर्व में आप किस वैल्यू को निकालना चाहोगे, भाई इस आरपीएम, इस डिस्चार्ज के रेस्पेक्ट में मैनोमेट्रिक हेड क्या मिल रहा है हमें, शाफ्ट पावर हमें कितनी देनी पड़ रही है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इन सब के बारे में आप करोगे, और इनको एक प्लॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहां पर जो है एक्स एक्सिस पर डिस्चार्ज है, और यहां पर हेड, ब्रेक पावर, ये सारी चीजें हैं जो हमने कैलकुलेट की है। तो ये जो कर्व बनाया गया होगा, ये पर्टिकुलर एक स्पीड पर बनाया गया, यहाँ पर एन क्या है, अभी कांस्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कर्व अलग अलग स्पीड पर बनाए जाएंगे। तो देखिए, जब आपका डिस्चार्ज वेरी करता है तो देखिए क्या हो रहा है, एफिशिएंसी आपकी पहले तो बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एक पीक एफिशिएंसी का पॉइंट आएगा, और उसके बीच में आपकी एफिशिएंसी घटने लगती है। तो इसका मतलब ये वो डिस्चार्ज होगा थ्रू द पंप, वी विल गेट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी।
फिर इस कर्व में अपन आगे देख सकते हैं कि भाई देखो, जैसे जैसे आप डिस्चार्ज बढ़ाते जाते हो, जो हम हेड डेवलप कर रहे हैं दैट इज मैनोमेट्रिक हेड, वो हमारा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा हमारा हेड कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लॉसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 d की पावर 5 ये कहता है कि जैसे जैसे डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लॉसेस इज अपॉन फ्रिक्शन लॉसेस डिपेंड ऑन द डिस्चार्ज। तो जैसे जैसे हम डिस्चार्ज इंक्रीज करते हैं, हाई डिस्चार्ज परफॉर्म करते हैं, तो मैनोमेट्रिक हेड जो हम डेवलप कर रहे थे वो हमारा कम होता जाता है। फिर बात आती है जो शाफ्ट पावर है वो हमारी, देखिए तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे जैसे डिस्चार्ज हम इंक्रीज करेंगे वी विल पुट मोर पावर, तो जो शाफ्ट पावर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आप पैरामीटर यहाँ पर देख सकते हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये चाहते हो कि एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे, तो आप इतना हेड डेवलप नहीं कर पाओगे जितना आपको सपोज हो सकता है, तो मैनोमेट्रिक हेड आपका कम हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे तो फिर मैनोमेट्रिक हेड कम हो जाएगा, और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मिनिमम ब्रेक पावर रहे तो फिर आपका हेड डेवलप ज़्यादा हो जाएगा लेकिन एफिशिएंसी भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपको एक कॉमन पॉइंट, एक ऑप्टिमम पॉइंट चूज करना पड़ता है जहाँ एफिशिएंसी भी ज़्यादा कम नहीं होगी और हेड डेवलपमेंट भी ऑप्टिमम रेंज में रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड मेन करेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं मस्कुलन कर्व या फिर कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। तो ये जो कर्व है, ये एफिशिएंसी वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये वाला इसके एक एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कर्व है ना, ये बेसिकली अलग अलग आरपीएम पर एफिशिएंसी का कर्व बनाया है इन्होंने। ये अलग अलग आरपीएम पे कर्व बना, और यहां पर डिस्चार्ज है, ठीक है। तो उस डिस्चार्ज के अबाउट सपोज इस कर्व पर एफिशिएंसी 60% है, इस पॉइंट पर 60%, तो ये एफिशिएंसी को जोड़ती हुई लाइन खींची गई है, ये एफिशिएंसी को जोड़ती हुई यहां पर लाइन खींची गई है। तो ये सब आपको क्या बता रहे हैं, कॉफिशेंट ऑफ बेसिकली कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी वाली लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो कर्व है, अलग अलग आरपीएम, यहां पर आरपीएम आपकी वेरी है, डिस्चार्ज और अलग अलग एफिशिएंसीज की लाइन्स को आपने जोड़ दिया है। तो जो मिडिल वाली लाइन आ रही है वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला पॉइंट बता रही है। मिडिल वाली लाइन आपको क्या बता रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले पॉइंट को जोड़ के बता रही है। ये बेसिकली ये जो कर्व है ना, इसका हाफ पोर्शन आपने बनाया हुआ है। तो ये कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी कर्व परसेंटेज वाइज, तो मिडिल वाला जो पॉइंट होगा उस पर एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिल रही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इतने मैनोमेट्रिक हेड पर और इतने आरपीएम पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिस्चार्ज पर मिलेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई इतने मैनोमेट्रिक हेड पर, इतने आरपीएम पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिस्चार्ज मिलेगी, या फिर हमें को अगर किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज चाहिए तो हम उस डिस्चार्ज के रेस्पेक्ट पर मैक्सिमम एफिशिएंसी किस आरपीएम पे मिलेगी। तो जिस आरपीएम पे मिलेगी हम उतने ही आरपीएम की मोटर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये कर्व अपन को क्या बताता है कि भाई इतना डिस्चार्ज हमें चाहिए और इतने हेड हमारे पर, इतने आरपीएम पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी और इतना हेड डेवलप हो सकता है। तो वी विल टेक दिस। ओके, लास्ट कॉन्स्टेंट हेड और लास्ट कर्व ये आप देख सकते हो यहां पर। सो अब आरपीएम को वेरी अगर हम करा रहे हैं एंड डिस्चार्ज एंड हेड को हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, अब हम आरपीएम को वेरी करा रहे हैं। इससे पहले हमने आरपीएम को कॉन्स्टेंट रखा था, अब हम आरपीएम को वेरी करा रहे हैं और किस को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, डिस्चार्ज, और बाकी सब चीज़ों में देखते हैं कि वेरिएशन क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे आरपीएम बढ़ती है पावर कंजप्शन ऑब्वियसली बात है बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। फिर हमारे पास जैसे जैसे आरपीएम बढ़ती है हेड, बिकॉज अपन को पता है एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एन या एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एन जो होता है, जो एच होगा वो एन स्क्वायर से बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पीड बढ़ती है तो डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ये तीन कर्व आते हैं, ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, ये बेसिकली कर्व आएगा, ये और कर्व आएगा।
तो स्पीड के साथ यहां पर आपको पावर हेड और डिस्चार्ज का वेरिएशन दिखा रखा है. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पंप. अरे जो बच्चा लोग ज्वाइन कर गए हैं हालो यस और नो तो कर दो भाई, कौन कौन क्लास में आ चुका है. कौन कौन आया क्लास में अभी, सतेंद्र कहाँ है, देव कहाँ है. नाउ विल टॉक अबाउट द कैविटेशन. कैविटेशन क्या होता है, कैसे फिनोमेना होता है, क्यों होता है पंप के अंदर, इसकी बात करेंगे. हेलो प्रतीक. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैविटेशन. सो लेट्स टेक व्हाट इज द कैविटेशन, व्हाट इज द कैविटेशन, लेट्स से. देखो कैविटेशन क्या होता है, इट्स अ वेरी डेंजरस फिनोमेना हैपन इन द पंप. बेसिकली कैविटेशन टर्बाइन में भी होता है ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से, बट पंप में तो कैविटेशन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है. और कैविटेशन की वजह से जो पंप की इम्पीलर ब्लेडर की जो हालत हुई है वो आप देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से डैमेज हो गई है. तो ये बेसिकली कर्व है कि कैविटेशन बेसिकली पंप ब्लेड्स पर क्या कर सकता है, पंप ब्लेड को इस तरह से डैमेज कर देता है. ये कैविटेशन की वजह से आपकी जो पंप की ब्लेड है इस पर डैमेज आया है, ये पूरी तरह से टूट चुकी है. अभी बात समझेंगे जंग. सो दिस इज द कैविटेशन. अब पहले हम लोग समझे कैविटेशन समझ लेते हैं बेटा, व्हाट इज द कैविटेशन और कैविटेशन होता क्यों है इसको हम समझेंगे, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैविटेशन, व्हाई दिस कैविटेशन फिनोमेना इज गोइंग टू हैपन इन अवर डेली लाइफ और इन केस ऑफ पंप. तो इसी चीज को अभी हम समझते हैं कि कैविटेशन क्या होता है और क्यों होता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट. ठीक है, देखिए अगर हम पंप लगा रहे हैं तो पंप का काम क्या होता है, वाटर को शक करना या फ्लूड को शक करना फ्रॉम द लोअर हेड और इसको एक हायर हेड तक पहुंचाना. ठीक है, पंप का यही काम है कि पंप का काम होता है भैया फ्लूड को शक करना फ्रॉम द लोअर लेवल एंड इसको हायर हेड तक पहुंचाना, ये पंप का काम होता है. अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम पंप के इनलेट पर बात करें, एट द इनलेट ऑफ द पंप, तो देखिए यहां पर तो चूंकि ये आपका फ्लूड है और ये फ्लूड की फ्री सरफेस है तो यहां पर तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा. और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इनलेट प्रेशर ऑफ द पंप, पंप के इनलेट पर प्रेशर क्या होगा, अगर पंप इतने लोअर हेड से फ्लूड को खींच रहा है, इसको बोलते हैं हम सक्शन हेड, तो पंप के इनलेट पर प्रेशर होगा पी एटमोस्फियर हेड होगा माइनस, यहां से यहां तक जो हेड ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा माइनस एच एस. तो ये जो प्रेशर होता है ऑब्वियस ही बात है कि पी वन प्रेशर जो होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा. इसका मतलब पंप के प्रेशर पर, पंप के इनलेट पर क्या बनता है, वैक्यूम बनता है. वैक्यूम का मतलब ये नहीं है कि जीरो प्रेशर हो रहा है, वैक्यूम का मतलब होता है कि प्रेशर एट द पंप इनलेट इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर एट द पंप इनलेट लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसे कहते हैं वैक्यूम. ये पंप के इनलेट पर बन रहा है. अब बात यह है कि वैक्यूम बनने से क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें. अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो आपको इतना पता होता है कि
कि एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम हम बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपके फेस वेरिएशन को शो करता है. सपोज वी आर फॉर्मिंग दिस प्रेशर वेरिएशन डायग्राम फॉर वाटर, सभी लिक्विड के लिए प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनता है. अब इसके अंदर ये रीजन जो है वो सॉलिड रीजन कहलाता है, ये रीजन आपका लिक्विड रीजन होता है, और ये रीजन आपका वेपर रीजन होता है. इट इज अ वेपर रीजन. तो तीन रीजन होते हैं. ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आपको क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, सॉरी ट्रिपल पॉइंट होता है, जहां पर तीनों फेस इक्विलिब्रियम में, और यहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है. इज दैट क्लियर? अलग अलग लाइन होती है, सब्लिमेशन लाइन, वेपराइजेशन लाइन. तो ये लाइन जो है वो वेपराइजेशन लाइन है. अब होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रख रहा हूं, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अब लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, जब पंप में वाटर शक हो रहा है तो टेम्परेचर तो आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा ना भाई. टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है, पंपिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग, केवल वाटर को शक ही तो कर रहे हैं. तो पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है. गर्म ज्यादा ठंडा वो अलग कंडीशन है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही पंप का टेम्परेचर है. अब होता क्या है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर आपका प्रेशर कम होता जा रहा है, अगर लिक्विड का प्रेशर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर अगर कम होता जा रहा है, तो फिर क्या होता है कि एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेटेड प्रेशर. इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो दिस सेचुरेशन पॉइंट प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज वेपर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इसको हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं. तो अगर हमारा जो प्रेशर है इस प्रेशर से कम हो गया, अगर लिक्विड के अंदर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया या सेचुरेटेड प्रेशर से कम हो गया, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बेसिकली होता क्या है कि जब पंप यहां से फ्लूड यहां से फ्लो करता है, और अगर प्रेशर P1, अगर प्रेशर P1 वेपर प्रेशर से कम होता है, तो यहां पर छोटे छोटे वेपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. छोटे छोटे वेपर्स बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है, छोटे छोटे वेपर्स बबल्स यहां पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे. व्हेन P1 द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द पंप इज लेस देन दिस प्रेशर, समझ में आ रही है, ये इस प्रेशर से अगर कम होगा तो छोटे छोटे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. इनके आसपास छोटे छोटे वेपर्स बबल बनना स्टार्ट होंगे, जैसे बॉइलिंग के अंदर होता है. वहां पर क्या होता है, वहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो वहां पर लिक्विड से वेपर बनाएगी, वो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहां पर वर्टिकल लाइन है. यहां पर भी लिक्विड से वेपर में बदल रहा है, लेकिन प्रेशर आपका वेरी कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वहां पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर वेरी करता है. सो सिमिलरली इन दिस कंडीशन ऑल्सो द सेम वेपर बबल्स विल फॉर्म इन दिस इनलेट ऑफ द पंप. अब क्या होगा, अब ये होगा साहब, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है. सपोज P1 प्रेशर इज दिस, सो अब ये P1 प्रेशर जो है वो सेचुरेटेड प्रेशर से कम है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेपर बबल बन गए हैं एट द इनलेट. अब ये वेपर बबल होगा क्या, अब दूसरे कंडीशन होगी यहां पर, दिस इज योर PT डायग्राम, ये आपका सॉलिड रीजन है, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका वेपर रीजन है. क्या बन गए, वेपर बबल बन गए. अब हुआ क्या, अब वापस से रिवर्स कंडीशन होगी. पंप का काम क्या है, पंप का काम है प्रेशर इंक्रीज करना, टेम्परेचर में तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा भाई, कंप्रेस करने से टेम्परेचर तो वेरी नहीं करेगा. काम क्या है, काम है प्रेशर को इंक्रीज करना. पंप का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करना. तो पंप अपना काम करेगा. तो पहले प्रेशर इनलेट पर कितना था, P1 प्रेशर था. अब जब ये पंप में जाएगा तो पंप के इनलेट पर इंपीलर में अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इंपीलर की जो ब्लेड है वो डिफ्यूजर शेप की होती है. पंप के इनलेट के अंदर जो प्रेशर होता है वो वेरी करता है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पंप का काम ही है प्रेशर इंक्रीज करना. तो प्रेशर इंक्रीज की वजह से वापस से ये लाइन ऊपर जाएगी, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा, अब वापस से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. तो जब वापस से प्रेशर इंक्रीज करेगा
और वापिस से ये लाइन ऊपर जाएगी। तो जो वेपर बबल अभी बने थे, जब वो पंप के अंदर जाएंगे तो इनके अंदर की वेपर अब वापिस से कंडेंस होगी, क्योंकि अब उस वेपर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ गया है। और अगर प्रेशर जो है वो सेचुरेटेड प्रेशर या वेपर प्रेशर से ज्यादा पहुंच जाएगा तो वापस से ये वेपर बबल क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। वापस से ये वेपर बबल क्या होंगे, कंडेंस होंगे। क्यों हो रहे हैं कंडेंस, क्योंकि अब जैसे कंडेंस होंगे तो पहले यहां पर बबल था, आसपास से प्रेशर लग रहा था, बहुत हाई अमाउंट में लिक्विड इस वेपर बबल पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब सडनली ये कंडेंस हो गया। अब देखिए बात, कहानी कहां आके अटकती है, कहानी यहां आके अटकती है। अरे ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ऊपर से गया तुम लोग के। अरे भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सोलो तो कर दो एटलीस्ट, इज दैट क्लियर और नॉट। यहां तक बात समझ में आई, कहानी समझ में आई तुम्हारी। वेपर बबल बनना और वेपर बबल का कैरी टू द हायर प्रेशर रीजन, यहां तक आपको समझ में आया? अरे मुन्ना बता दो, यस ओ नो प्रतीक। अरे नहीं समझ में आया तो मना करो, अगर समझ में आ गया तो यस करो, इतना सिंपल है। चलिए मैं वापस से बता रहा हूं, बात यह है कि पंप के अंदर जैसे हम सक्शन कर रहे हैं तो पंप के इनलेट पर प्रेशर कम हो रहा है, पंप के इनलेट पर प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, और लिक्विड वेपर की बदलने की वजह से छोटे छोटे न्यूक्लियेट बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पर छोटे छोटे वेपर बबल्स बन रहे हैं। जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट या वेपर नहीं बनते क्या, छोटे छोटे सरफेस पर आपने ड्रॉपलेट बनते हुए नहीं देखे, उसमें बस ये होता है कि यहाँ पर हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, तो एकदम से ऐसा तो नहीं सारा वेपर में बदल गया, छोटे छोटे न्यूक्लियेट बॉइलिंग बनना स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियेट साइज बनना स्टार्ट होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी छोटे छोटे वेपर बबल्स बन रहे हैं। अब ये वेपर बबल कहां जाएंगे, ये वेपर बबल जाएंगे पंप के अंदर। पंप का काम क्या है, प्रेशर इंक्रीज करना, तो वापस से प्रेशर बढ़ेगा, वापस से प्रेशर बढ़ेगा और वापस से प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो वेपर बबल में वेपर है वो कंडेंस होगी, यस ओ नो, कंडेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एक बताओ कि एक वाटर, 1 किलोग्राम का वाटर है, अगर हम उसको गर्म करके वेपर बदल रहे हैं, पहले उसने 1 लीटर वॉल्यूम घेरा हुआ है या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो जब हम उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वॉल्यूम घेरेगा? भाई एक वाटर है, वाटर है और वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब अगर आप उसको घेर उसको गर्म करते हो, वेपर बनाते हो, तो कितना वॉल्यूम आप वो ऑक्यूपाई करेगा? ये भेल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए भाई। 1 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है, कितना वॉल्यूम घेरा हुआ, 1 मीटर क्यूब। अब इसको लिक्विड है ये, अगर आप इसको वेपर में बदल कन्वर्ट करते हो तो अब ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ओपन है कंटेनर बिल्कुल, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपने एक ग्लास में रखा हुआ है, सपोज एक कंटेनर में रखा हुआ है, और सडनली आपने क्या किया, इसको वेपोराइज किया, तो कितना वॉल्यूम घेरेगा ये? कितना वॉल्यूम घेरेगा? बताइए, कोई बता सकता है कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा? अरे भाई वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, वाटर की डेंसिटी 1000, अगर कोई चीज गैस में बन रही है अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी 1 हो जाती, अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी 1 हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी 1 हो जाती है। तो अगर 1 मीटर क्यूब, अगर 1 किलोग्राम वाटर को गर्म करोगे और वेपर में बदलोगे तो वो 1000 टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू लिक्विड।
वेपर विल ऑक्यूपाई 1000 m³ ऑफ वॉल्यूम ऑलमोस्ट, और इससे भी ज्यादा होता है वैसे तो, 1000 m³ ऑफ वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड्स। इसका मतलब कोई भी लिक्विड को उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि किसी भी लिक्विड को जब आप वेपर में कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है 1000 और टाइम ज्यादा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यस और नो? अब यहां पर जो वेपर है, जो वेपर है, वेपर बबल के अंदर वेपर है, इट्स ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम, और जब वो कंडेंस होगी तो सडनली एकदम से क्या बन जाएगी, एक छोटा सा वॉल्यूम सडनली जीरो हो जाएगा उसका, ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सडनली 1 मिनट में तो आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और 1 मिनट में आपका वॉल्यूम, अरे मैं वापस बोलता हूं, अरे भाई एक बात बताओ, एक लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे और लिक्विड को गर्म करके अगर वेपर बना रहे हो, स्टीम बना रहे हो, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? अगर ये 1 m³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो स्टीम कितना ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, स्टीम बनेगा तो वो पूरे रूम में फैलेगा, इट विल ऑक्यूपाई 1000 times ऑफ मोर वॉल्यूम देन लिक्विड, यस और नो? इट विल ऑक्यूपाई 1000 times मोर वॉल्यूम देन लिक्विड इटसेल्फ, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या करेगा, इट्स स्प्रेड अनडेफिनेटली। तो ऑब्वियस ही बात है कि वेपर विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन लिक्विड, कितना ज्यादा, 1000 times ज्यादा, इज दैट क्लियर? अब क्या है, ये जो वेपर बबल है इसके आसपास क्या लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, बिकॉज पंप में आपने प्रेशर इंक्रीज किया, बिकॉज उसकी वजह से हाई प्रेशर लग रहा है। अब सडनली होगा क्या कि जब ये कंडेंस होगा तो एकदम से ये जो वेपर बबल है, ये वेपर जब कंडेंस होगी तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसका वॉल्यूम सडनली कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, कम क्या, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, पहले सपोज कुछ वॉल्यूम था और एकदम से जीरो हो गया, तब जब एकदम से जीरो हो गया तो आसपास का जो भी लिक्विड हाई प्रेशर से लग रहा था वो सभी साइड से लिक्विड क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से कोलिजन होगा। एकदम से ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि एक गुब्बारा था, सब लोग उसके ऊपर ऐसे आसपास बहुत तेजी से प्रेशर लगा रहे थे और गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया तो सभी लोग आपस में टकराएंगे, सभी के सर, किसी का सर फूटेगा, किसी का क्या फूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, सब लोग उस गुब्बारे को बहुत तेजी से पुश कर रहे थे, सडनली किसी ने उस गुब्बारे को ब्रस्ट कर दिया तो क्या हालत होगी, यही हालत होगी कि आप जैसे कि एक मान लीजिए आप एक गुब्बारे के ऊपर बैठे हैं और किसी ने उसको एकदम से ब्रस्ट कर दिया, ब्रस्ट करते आप जमीन से बहुत तेजी से टकराएंगे यार, हो सकता है तुम्हारा रीढ़ और हड्डी टूट जाए। तो बेसिकली सिमिलरली बात यह है कि जो वेपर थी अभी, इट इज ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम, और जब ये कंडेंस होती है तो इट्स ऑक्यूपाई एज कंपेयर टू दिस वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इसकी वजह से जो आसपास का लिक्विड है आपस में आके ऐसे कोलाइड कर रहा है, कोलैप्स करता है, और उसकी वजह से हाई प्रेशर वेव डेवलप्ड होती है। अब ये सारा का सारा फिनोमेना कहां पर होता है, कई बार सरफेस पर होता है, क्योंकि ये जो बबल्स बनते हैं वो सरफेस पर बनते हैं, ये जो वेपर बबल्स बन रहे हैं वो आपकी ब्लेड की, इंपीलर ब्लेड की सरफेस पर बनते हैं, क्योंकि प्रेशर यहीं राइज हुआ है और यहीं पर वो कंडेंस होते हैं, तो इनके ऊपर जो लिक्विड होता है वो सडनली ब्लेड की सरफेस से आके टकराता है, उस टकराने की वजह से यहां पर इरोजन होता है, खीरा खीरा ऐसा होता है, इरोजन होता है, और उस इरोजन की वजह से जो ब्लेड्स हैं वो बेसिकली ब्रेक करती है, इरोजन यहां पर होने लगता है, उसकी वजह से ब्लेड में डैमेज आने लगता है। अब ये जो बबल्स बनते हैं, 1 सेकंड के अंदर 1000 ऑफ बबल बनते हैं, और 1000 ऑफ बबल जो है वो कोलैप्स करते हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई इंपैक्ट फोर्स ब्लेड सरफेस पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन पड़ता रहता है, जिससे कि इंपैक्ट फोर्स पड़ता है, टक 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 ऐसे बार 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 इंपैक्ट फोर्स पड़ता है, और उस इंपैक्ट फोर्स की वजह से बेसिकली जो ब्लेड है वो कोरोड कर जाती है, धीरे धीरे उसका मटेरियल जो है खिरने लगता है और ब्लेड टूट जाती है एक टाइम के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पर हालात क्या हुई है उस कोरोजन की वजह से, यहां पर पिटिंग हो गई है, धीरे छोटे छोटे पिट्स बन गए हैं, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैविटेशंस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैविटेशंस। ये देखो यहां पर पिटिंग हो चुकी है, छोटे छोटे पिट्स बने हैं, और ये इसकी वजह से हुआ है, ये हाई कैविटेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि कैविटेशन में जो बबल्स बनते हैं वो 1 ही सेकंड में हजारों बबल्स बनते हैं और हजारों बबल कोलैप्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई इंपैक्ट फोर्स आता है सरफेस पर, और उस वजह से बेसिकली सरफेस में
इस तरह का कोरोजन क्विटिंग होने लगती है, सरफेस का मटेरियल घिरने लगता है और थोड़ी देर बाद ब्लेड सरफेस जो है वो टूट जाती है। आई होप इज दैट क्लियर टू यू। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जो बेसिकली कैविटेशन होता है मैंने वही तुम्हें समझाया। कृष्णा अरे बाप रे बाप, आज बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है क्या भाई? थंबनेल देख के भग गए हैं सब। स्टेनलेस स्टील का बना होता है बेटा, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है ब्लेड्स, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये हालात है स्टेनलेस स्टील के। चलिए कास्ट आयरन की भी बनती है हट, मतलब कास्ट आयरन की एग्जैक्टली तो कास्ट आयरन की नहीं होती है, कास्ट आयरन के लिए भी बनाते हैं। डिपेंड करता है, देखो बेसिकली आप कॉस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों मटेरियल की बनी होती है। कास्ट आयरन की बेसिकली केसिंग ज़्यादा आप बनाते हो, ब्लेड्स नहीं बनाओगे, इम्पीलर ब्लेड्स आप नहीं बनाओगे। उसकी केसिंग ज़रूर आप बना सकते हो, इम्पीरियल ब्लेड्स आप नहीं बनाते हो, क्योंकि कास्टिंग जो होती है वो हाई लोड को सस्टेन नहीं कर पाती है मटेरियल में, कोरोजन ज़्यादा हो जाता है, डायनेमिक कंडीशन को सस्टेन नहीं कर पाता है कास्ट आयरन कई बार। हाँ तो आप केसिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, बट ब्लेड्स के लिए आप यूज़ नहीं करोगे, यूज़ सम हार्ड मटेरियल। आई होप इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी नाउ कि भाई वो वेपर बबल बनना उनका कोलैप्स होने की वजह से सरफेस पर हाई इंपैक्ट फोर्स आता है, हाई इंपैक्ट फोर्स की वजह से बेसिकली कोरोजन होने लगता है। सो अगर मुझे कोरोजन को या कैविटेशन को रोकना है तो मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मैं जो इनलेट प्रेशर को, इनलेट एट द पंप प्रेशर को हमेशा वेपर प्रेशर या सेचुरेशन प्रेशर से ऊपर रखूं। क्या रखूं? सेचुरेशन प्रेशर से ऊपर रखूं। अगर मेरे को कैविटेशन को रोकना है तो मेरे पास केवल एक ही तरीका है कि इनलेट पर जो प्रेशर है वो इट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, यस ऑर नो? इनलेट ऑफ द पंप पर जो प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। यही मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कैविटेशन को स्टॉप कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत, आई कैन प्रिवेंट द कैविटेशन या पिटिंग एंड कोरोजन होता है, दोनों होता है। पिटिंग मैंने बताया था ना, ये इसी को कहते हैं पिटिंग, है छोटे छोटे होल्स बन रहे हैं यहाँ पर, पिट्स बन गए हैं, देखो गड्ढे बन गए हैं यहाँ पर। सो तो हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि इनलेट पर वेपर बबल ना बने। और इनलेट पर वेपर बबल ना बने उसका एक ही तरीका है कि जो इनलेट पर प्रेशर है वो सेचुरेटेड प्रेशर ऑफ वेपर से ज़्यादा होना चाहिए। इनलेट पर, पंप के इनलेट पर जो प्रेशर है दैट शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, टू प्रिवेंट द कोरोजन, सो कैविटेशन, P1 शुड बी ग्रेटर देन PVS, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर से P1 ज़्यादा होना चाहिए। इसी को आप लोग वेपर प्रेशर भी कहते हैं, कई बार हम लोग फॉर लैंग्वेज में वेपर प्रेशर चिल्लाते हैं। वेपर प्रेशर कौन सा? सेचुरेटेड प्रेशर, जहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज द प्रेशर। वेपर प्रेशर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अनसेचुरेटेड भी होता है। तो वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर? जहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, अबाउट दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड है उसके कंडीशन में। तो सेचुरेटेड प्रेशर से आपका P1 ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब पंप के इनलेट पर जो प्रेशर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन PVS, तभी हम कैविटेशन को रोक सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको?
ये हमारा पंप का इनलेट है, ये हमारी फ्री सरफेस है और इस फ्री सरफेस पर लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो माय डियर फ्रेंड, पंप के इनलेट का जो प्रेशर हेड है पी वन बाई ओमेगा, दिस इज कॉल्ड सक्शन हेड, यहां से यहां तक होता है सक्शन हेड। इस पी वन बाई ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस पी वन बाई ओमेगा विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा तो माइनस एच एस, ठीक है माइनस, और भी जब पाइप में फ्लूइड फ्लो करेगा तो यहां पर फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे तो ये एच एफ एस हो गया। तो पी वन बाई ओमेगा शुड बी लाइक दिस, ये पी वन बाई ओमेगा होगा। तो अगर आप प्रेशर इक्वेशन लिखे हैं तो P1 by omega, P एटमोस्फेयर, फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा तो माइनस वगैरह, सेम वही हम लोग हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन से लिख सकते हैं। सो P1 by omega should be equal to PA by omega minus HS minus HFS होगा, ठीक है। अब होता क्या है, टू अवॉइड द कैविटेशन कैविटेशन, P1 by omega should be greater than PV upon S by omega. PVS is known as saturated vapor pressure or sometime known as vapor pressure. ठीक है। सो अब देखिए, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो इट डिफरेंस ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर पी वन बाई ओमेगा हमेशा पी वी बाई ओमेगा से बड़ा होना चाहिए तो इन दोनों का प्रेशर हेड डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को एक नाम देते हैं, दिस डिफरेंस इज नोन एज एन पी एस एच, जिसको कहा जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, दिस इज नोन एज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब इसको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको कैविटेशन को अवॉइड करना है तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कह रहे हैं। सो इस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पी वन बाई ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, पी ए बाई ओमेगा एटमोस्फियर माइनस एच एस सक्शन हेड माइनस एच एफ एस फ्रिक्शन लॉसेस, और ये हो जाएगा माइनस पी वी बाई ओमेगा। This is the formula of net positive suction head. So net positive suction क्या होता है, ये होता है net positive suction head. तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर NPS की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ही हम लोग टू अवॉइड कैविटेशन, तभी हम अवॉइड कर पाएंगे कैविटेशन। अब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो कि और मैनोमेट्रिक हेड के एक रेशो को हम नाम देते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं थोमा नंबर। इन दोनों के रेशो को एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज थोमा नंबर। सो दिस इज नोन एज हाउ टू अवॉइड द कैविटेशन। सो दिस इज द कैविटेशन थ्योरी। सो यहां तक बात समझ में आ रही है, तो भैया अगर हमें कैविटेशन को अवॉइड करना है सो द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, इट्स की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हुई तो फिर क्या होगा, कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए हमने इसके नाम दिया है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो जितना ज़्यादा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होगा उतना ही कम चांसेस होंगे कि आपका कैविटेशन हो रहा है, ठीक है। सो टू नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को बढ़ाने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो है इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द सक्शन लाइन। अब आप बोलोगे सर ये इंक्रीज करके क्या होगा, इसको इंक्रीज करके आप फ्रिक्शन लॉसेस को कम कर सकते हो इन पाइप। एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू टू जी डी होता है। अगर डायमीटर ऑफ द पाइप बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन लॉसेस कम होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस कम होगा तो ये देख सकते हो आप नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बढ़ेगा। ये कम होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो ये माइनस साइन कम होगा तो आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। मिनिमम फिटिंग इन सक्शन लाइन, मिनिमम फिटिंग से लॉसेस बढ़ते हैं, ज़्यादा फिटिंग होगी ज़्यादा वॉल्व होंगे तो उससे लॉसेस बढ़ेंगे, दिस इज वन माइनर लॉसेस तो उनको भी आप कम कर सकते हो। रिड्यूस द फ्लो रेट ऑफ डिस्चार्ज, ऑब्वियसली बात है कि जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं वो एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12d की पावर 5 भी होते हैं। जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं वो डिस्चार्ज पर भी डिपेंड करते हैं, तो जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है उतने ही ज़्यादा पाइप में फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं। तो डिस्चार्ज को अगर कम रखोगे तो फ्रिक्शन लॉसेस को आप कम कर सकते हो, फ्रिक्शन लॉसेस को कम करोगे तो ऑब्वियस ही बात है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपका बढ़ जाएगा। रिड्यूस सक्शन लिफ्ट, इसका मतलब अगर सक्शन हेड को कम कर दोगे, इसको कम कर दोगे तो भी आपको इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नीचे से सक्शन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि पंप के इनलेट पर जो नेगेटिव प्रेशर बन रहा है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस द सक्शन लाइन डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फ्रिक्शन लॉ, क्योंकि लेंथ बढ़ाओगे आप, ज़्यादा डिस्टेंस से पानी आप खींच रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि एल ज़्यादा होगा, एल ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर प्रैक्टिकल कंडीशन होती है टू प्रिवेंट कैविटेशन। यहां तक किसी को दिक्कत? सो दिस इज कॉल्ड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो भैया लिक्विड जो है वेपराइज होने लगता है और इनलेट पर क्या बनते हैं, वेपर बबल्स बनते हैं जिनको हम कैविटी बबल्स कहते हैं। और जब ये पंप के अंदर जाते हैं तो वापस से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने पर वेपर प्रेशर जो है वेपर जो है वो कंडेंस होती है, और कंडेंस होने के बाद जो वेपर बबल्स हैं वो एकदम से कोलैप्स करते हैं, क्योंकि वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो आसपास से हाई प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा था और जब वेपर बबल कोलैप्स करते हैं तो कोलैप्स की वजह से सडनली जहाँ पर ये बने हुए हैं वहाँ पर एकदम से इम्पैक्ट फोर्स आता है, जिसकी वजह से जो आपकी पंप की ब्लेड है वहाँ पर पिटिंग और कोरोजन्स होते हैं, मटेरियल वहाँ से खिस जाता है, ब्लेड्स आपकी टूटने लगती हैं। ओके, तो दिस इज़ द कोलिजन। अब इसको अगर हमको रोकना है तो पंप के इनलेट पर जो प्रेशर होना चाहिए वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तो P1 एट द पंप इनलेट मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। कौन सा वेपर प्रेशर? जहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तभी हम कैविटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अब हम लोग ने निकाला कि P1 बाई ओमेगा क्या होता है, P1 बाई ओमेगा ये होता है भाई साहब, P1 बाई ओमेगा हमने मैनोमेट्रिक इक्वेशन से निकाला, भाई इनलेट पर प्रेशर क्या होगा, दिस इज द प्रेशर। ओके, PA बाई ओमेगा माइनस HS माइनस SFS। और फिर इससे हम लोग इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इस डिफरेंस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो यहाँ से नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू आई। अब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका वेरी गुड कैविटेशन कम होगा, जितना ज़्यादा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होगा उतना ही कम आपका कैविटेशन होगा। सो टू अवॉइड द कैविटेशन आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बढ़ाना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास तरीके ये है कि हम जितना कम फ्रिक्शन लॉसेस करेंगे उतना ही आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ज़्यादा होगा, जितना सक्शन हेड कम होगा उतना ही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपका ज़्यादा होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैविटेशन। अब इस कैविटेशन पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एंड
अरे बच्चा लोगों, यहां तक कहानी समझ में आई आपको या नहीं आई है? यहां तक बच्चा लोगों सब समझ में आया आपको? अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट ऑन अ पंप मॉडल इंडिकेटेड अ कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा सी इक्वल टू 0.10 आ होमोजीनियस होमोलोगस यूनिट इज टू बी इंस्टॉल एट अ लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर पी इक्वल टू 0.91 bar एंड वेपर प्रेशर पी वी इक्वल टू 0.035 bar एब्सोल्यूट एंड इज टू पंप वाटर अगेंस्ट अ हेड ऑफ 25 meter. What is the maximum permissible suction head? यार लाइक मारो, ये डिसलाइक मारने वाले ज्यादा आ जाते हैं आजकल, ठीक है? वैसे तो आजकल हो नहीं रहे बट फिर भी ये क्वेश्चन है। एक टेस्ट ऑन द पंप इंडिकेट अ कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा सी। कैविटेशन पैरामीटर मतलब थोमा नंबर। थोमा नंबर को हम कैविटेशन पैरामीटर कहते हैं, ठीक है? इज ऑल्सो नोन एज थोमा नंबर। साइंस से समझ में आ रहा होगा आपको। ए होमोजीनियस यूनिट टू बी इंस्टॉल एट द लोकेशन वेयर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर इस पी ए आपको दे रखा है, पी वी आपको दे रखा है। व्हाट इज द हेड वाटर अगेंस्ट द हेड ऑफ 25, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल सक्शन हेड? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर को हेड में कन्वर्ट करेंगे। सिग्मा सी अपन को कितना देखा है, 0.1, ठीक है? सबसे पहले हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रहेगा। तो 0.91 ये बार दे रखा है 10 की पावर 5। अब इसको हेड में कन्वर्ट करेंगे तो स्पेसिफिक वेट से अपॉन करना है रो इंटू जी, 0.91 इंटू 10 की पावर 5, यह हो जाएगा 9810। तो एच ए कितना हो जाएगा, 9.27 meter ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर कॉलम की हाइट के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर वेपर प्रेशर जो हमें दे रखा है उसको भी हेड के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना दे रखा है, 0.035 bar
बार मतलब 10^5 अपॉन स्पेसिफाइड करेंगे वाटर का, तो वाटर के हेड के टर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.356 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सिग्मा दैट इज थोमा नंबर क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अपॉन मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस माइनस एचएस माइनस फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन पाइप माइनस वेपर प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। यही होता है। अब देखिए यहां पर कहानी आपको कहीं पर भी लॉसेस तो नहीं दिए हैं, तो इसको हम लोग अगेंस्ट जीरो मान लेंगे। तो पी ए दैट इज एटमोस्फेरिक हेड, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच ए माइनस एच एस माइनस एच वी अपॉन एच मैनोमीटर, ये हो जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू अपन को कितनी दी है, 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1। एच ए एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड कितना है, 9.27। फिर हमारे पास एच एस कितना है, सक्शन हेड, और वही क्वेश्चन में पूछा है कि द पंप वाटर अगेंस्ट द हेड ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन हेड, तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है। और वेपर प्रेशर हेड हमने निकाला, कितना निकाला है, 0.356। और एच मैनोमेट्रिक हेड क्वेश्चन में दे रखा है कि वाटर पंप अगेंस्ट द 20 मायोमीटर हेड, इसका मतलब ये टोटल हेड है जिसके अगेंस्ट वाटर पंप किया जा रहा है, तो ये हमें दे रखा है 25 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में बचा क्या, इस क्वेश्चन में बचा है सक्शन हेड, तो सक्शन हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और बाकी को सॉल्व कर लो, बाकी को सॉल्व कर लो, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, सो देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो आपका वैल्यू आ जाएगा सक्शन हेड का यहां पर 6.41 मीटर, दिस इज योर आंसर। सो कैविटेशन से इस तरह से क्वेश्चन आपके डेवलप होते हैं। तो सिग्मा सी दे या सिग्मा दे, आपको इससे समझ जाना कैविटेशन पैरामीटर भी आपका क्या होता है, बेसिकली थोमा नंबर होता है, तो जनरली वो कैविटेशन पैरामीटर से क्वेश्चन पूछता है। यहां तक क्लियर है भाई लोगों, यहां तक बात समझ में आई, यस और नो करो, इज दैट क्लियर। यार मैं तुम लोगों से बस इतना ही पूछता हूं कि भाई रिस्पॉन्ड तो कर दे करो एक बार यार, एटलीस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड यस नो हाँ ना, यार मुझे पता चल जाए कि तुम हो, तुम कहीं नहीं गए, तुम हो अभी जिंदा। सो इट्स वेरी इजी टू कमेंट ना, कितना टाइम लगता है यार, एक हाँ बोल दो, यस बोल दो, यस। सो इससे इंट्रैक्शन बना रहता है, ठीक है, थोड़ा मुझे भी फील गुड होता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही क्या। सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं देखते हैं मुझे, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज रिस्पॉन्ड इन द क्लासेस, ओके, बिकॉज यार फिर हम लोगों को ऐसा फील होता है कि अकेला अकेला बोले जा रहे हैं, है ना। इन ऑफलाइन मोड तो आप ठीक है, आपके सामने बच्चे होते हैं बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, इन ऑनलाइन मोड इज ऑल अबाउट द कमेंट ना, तो इतना सा तो कर सकते यार। लो क्वेश्चन देखो, टेस्ट ऑन द पंप मॉडल इंडिकेट अ कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा सी 0.1 एंड होमोजीनियस यूनिट इज टू बी इंस्टॉल एट अ लोकेशन वेयर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए इक्वल टू 0.91 बार एंड वेपर प्रेशर पी वी इक्वल टू 0.035 बार एब्सोल्यूट एंड इज द पंप इज टू पंप वाटर अगेंस्ट द हेड ऑफ 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन हेड, ये पूछा हुआ था। आई होप इज दैट क्लियर टू यू। हो गया ये। सो ऐसे ही मैं एक सेकेंड क्वेश्चन दो, आप लोग करोगे ट्राई, सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे इसको,
ऐसा ही मैं एक और सेकंड क्वेश्चन देता हूँ कैविटेशन पर, आप सॉल्व करिए उसको। फाइंड द हाइट हाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस एट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप पंप मे बी इंस्टॉल्ड। इन द फॉलोइंग केस टू अवॉइड कैविटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 बार, वेपर प्रेशर इक्वल टू 0.022 बार, इनलेट एंड आउटलेट लॉसेस इन सक्शन पाइप इक्वल टू 1.42 मीटर, इफेक्टिव हेड ऑफ पंप 49 मीटर एंड कैविटेशन पैरामीटर जीरो पॉइंट वन वन फाइव। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है, आज बच्चा बहुत कम है भैया, क्यों? आज क्या कोई YouTube फेस्टिवल वगैरह तो नहीं है भाई? उसी दिन बच्चे का क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है काफ़ी, इतने सारे सेशन एक साथ, ये ज्वाइन करें ये ज्वाइन करें ये ज्वाइन करें। अच्छा टॉम का भी चल रहा है अभी, ओके आई गेट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग रिकॉर्डेड देख लो, और इफ एनी है प्रॉब्लम यू विल बी यू कैन कॉन्टेक्ट अस, है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। बताइए क्या होगा, इतना टाइम कैसे लग गया? टेल मी द आंसर। टेल मी द आंसर, कितना टाइम लग रहा है भाई? टेन पॉइंट सेवन एट। नो बेटा, इट इज नॉट करेक्ट। एनीबडी एल्स? नो। आंसर आएगा यहां पर 10.78। सॉरी, आंसर इज 10.7 इज रॉन्ग, आंसर इज 3.01 मीटर। चलिए आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, आप एक काम करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हेड में कन्वर्ट करो। सो वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हेड में कन्वर्ट करो। और इसको हेड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.01 इंटू 10 की पावर 4, और स्पेसिफिक वेट से अपॉन कर दो, वाटर है तो 9810 हो जाएगा, 10.29 मीटर। ये आपने प्रेशर को हेड के टर्म में लिखा। सिमिलरली वेपर प्रेशर अपन को क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 0.022 बार। इसको वेपर प्रेशर हेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.022 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 9810 कर दीजिए, आ गया 0.224 बार मीटर। अब यहां पर आपको फ्रिक्शन हेड लॉस भी दे रखा है इन द सक्शन पाइप, कितना दे रखा है आपको, यस 3.061 इज द राइट आंसर, 1.42। तो फ्रिक्शन लॉस भी अपन को दे रखा है 1.42। मैनोमेट्रिक हेड हमको दे रखा है क्वेश्चन में 49। तो सिग्मा, दैट इज आल्सो थोमा कोफिशिएंट और कैविटेशन पैरामीटर, क्लियरली क्या होता है हमारे पास, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड,
अपॉन मैनोमेट्रिक हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए बाई ओमेगा माइनस एच एस माइनस एच एफ एस माइनस पी वी बाई ओमेगा अपॉन एच मैनोमीटर। तो इस फॉर्मूले को हम सिग्मा को लिख सकते हैं एच ए प्रेशर हेड माइनस सक्शन हेड माइनस फ्रिक्शन हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड अपॉन एच मैनोमीटर। सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कैविटेशन पैरामीटर या फिर थोमा कोफिशिएंट 0.115, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हेड के टर्म में निकाल लिया है 10.29, सक्शन हेड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फ्रिक्शन हेड यहां पर दिया हुआ है 1.42, वेपर प्रेशर जो है वो हमें यहां पर दिया हुआ है वेपर प्रेशर हेड 0.224 और मैनोमेट्रिक हेड यहां पर ऑलरेडी गिवन है, कितना है 49। तो सक्शन हेड जो है वो हमारा ऊपर आ गया 3.01 मीटर। रोशन ने निकाल लिया था, वेरी गुड बेटा, आंसर इज दिस। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व दिस कैविटेशन क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग, सर्ज टैंक। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? देखो तो क्या होता है, वाटर हम लोग जो भी टर्बाइन लगाते हैं ना, तो टर्बाइन के पास इस तरह का एक टैंक लगा होता है, इस टैंक का नाम है सर्ज टैंक, ठीक है। अब सर्ज टैंक का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्ज टैंक के दो पर्पस होते हैं मेनली, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है या नहीं है पहले बताओ मुझे, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो सर्ज टैंक के यहाँ पर दो पर्पस होते हैं मेनली। पहला होता है कि यार हमारा जो एकदम से अगर किसी ने वॉल्व को क्लोज कर दिया तो यहाँ पर एक फिनोमेना होता है पेनिस्टोक के अंदर, दैट इज कॉल्ड वाटर हैमरिंग। और वाटर हैमरिंग की वजह से पेनिस्टोक, ये जो पाइपलाइन जिससे पानी आ रहा है इसी को पेनिस्टोक कहते हैं, वाटर हैमरिंग की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है पेनिस्टोक में कि कई बार जो ये पाइपलाइन है वो ब्लास्ट हो जाती है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्ज टैंक लगाते हैं टर्बाइन के बगल में, एक इस तरह ट्रक टैंक लगा होता है, इसी को कहते हैं सर्ज टैंक। अब अगर किसी ने एकदम से क्या हो रहा भाई, बफरिंग कर रहा है क्या मेरा वीडियो? यस, वीडियो बफर कर रहा है क्या? एनीबडी कैन टेल?
तो इस वाटर हैम्बर को रोकने के लिए सडनली क्या होता है, प्रेशर राइज होता है। तो इस प्रेशर राइज को रोकने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, पहला काम तो ये होता है। और दूसरा काम ये होता है कि सपोज हमको एकदम से डिस्चार्ज की सप्लाई बढ़ानी है टर्बाइन के अंदर, ओके एकदम से हमारा लोड बढ़ा और वी नीड आ कि यार गवर्नर ने बोला कि भैया देखो हमें डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोड हमारे टर्बाइन पे बढ़ गया, अदरवाइज आरपीएम कम हो जाएगा और हम लोग जितना फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले थे उतना नहीं कर पाएंगे। तो उसके वजह से देखो रिजर्वायर कहाँ लगा होता है, बहुत दूर लगा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इमीडिएटली अगर सडनली आपके वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उस वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सर्ज टैंक यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्योंकि देखो रिजर्वायर से पानी का फ्लो बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन सर्ज टैंक से एकदम से सडनली वाटर का डिस्चार्ज आप इंक्रीज कर सकते हो, तो पानी यहाँ पर सडनली सर्ज टैंक से जा सकता है। तो सर्ज टैंक बेसिकली एक टेम्पररी स्टोरेज मीडियम की तरह भी काम करता है कि अगर एकदम से आपको डिस्चार्ज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अपन सर्ज टैंक से ले लेंगे, और जब हमको एकदम से वॉल क्लोज होगा तो सर्ज टैंक में वानी वाटर हैमर को ये रोक पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हेन देयर इज अ सडन क्लोजर और इंक्रीज इन द प्रेशर ड्यू टू कंट्रोल वॉल देन देयर इज अ बैक फ्लो ऑफ वाटर दिस क्रिएट अ हाई प्रेशर जोन इन द पेनिस्टोम ड्यू टू विच इट मे ब्रस्ट दिस इफेक्ट नोन एज वाटर हैमर इफेक्ट टू अवॉइड दिस टैंक इज अटैच टू द पेनिस्टोम विच स्टोर द वाटर दिस इज कॉल्ड एज सर्ज टैंक फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इट इज अ फंक्शन इज टू प्रिवेंट सडन इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन सप्लाई लाइन सडन इंक्रीज इन प्रेशर को कम कर रहा है वाटर हैमर को ऑब्वियसली बात ड्यू टू वेरिएशन इन डिमांड सेकंड फंक्शन होता है ड्यू टू वेरिएशन इन डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई अकॉर्डिंग टू द लोड द टर्बाइन गेट्स क्लोज सडनली विच कॉज इंक्रीज इन प्रेशर दिस इज नोन एज वाटर हैमर ठीक है। तो ये दो फंक्शन होते हैं। अब कितने तरह के हमारे सर्ज टैंक होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं और उनका क्या क्या पर्पस होता है वो भी हम देख लेते हैं। पहला होता है सिंपल सर्ज टैंक, फर्स्ट होता है सिंपल सर्ज टैंक, सो इन दिस सिंपल सर्ज टैंक ये एक तरह से बस एक पाइप होता है, एक सिंपल सा सिलेंड्रिकल पाइप होता है, ओके सिलेंड्रिकल सा पाइप होता है और ये हमारा टर्बाइन हो गया। तो दिस सिंपल पाइप विल वर्क एज अ सर्ज टैंक, लेकिन क्या होता है कि ये जो पाइप है इसका लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसको एज अ सर्ज टैंक बोल रहे हैं और यू वांट टू अवॉइड द वाटर हैमरिंग इफेक्ट इन द टर्बाइन सो सडनली इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो कई बार 10-10 मीटर 10-10 मीटर तक ऊपर राइज हो जाता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड, अगर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड के बराबर भी अगर आप प्रेशर कन्वर्ट कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो तो कितना वाटर मीटर वाटर हेड आपका डेवलप होता है 10 मीटर के अराउंड। तो वाटर हैमरिंग से तो जो प्रेशर डेवलप होता है वो बेसिकली एटमोस्फेरिक प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी जो हाइट है वो कई बार 30-30 मीटर 40-40 मीटर तक पहुंच जाती है। अब इतना हाइट का कंस्ट्रक्शन करना ही अपने आप में चुनौती है, इतना बड़ा टैंक बनाना इतना बड़ा पाइप बनाना इस क्वाइट डिफिकल्ट, और इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगी। बेसिकली एयर से ये एयर टकराएगी तो ऑब्वियसली बात है गिर सकता है, इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना सूटेबल नहीं होगा, यहाँ पर टर्बाइन चल रहा है वाइब्रेशन होंगे उसकी वजह से ये सर्ज टैंक जो है फेल हो सकता है, क्योंकि वाटर हैमर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका लेंथ हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो लेंथ को कम करने के लिए एक और हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्लाइंड सर्ज टैंक यूज कर सकते हैं। ओके तो इट कैन ऑल्सो स्टोर अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर बट इट विल हैव अ स्मॉलर लेंथ, जो हमारा सिंपल सिलेंड्रिकल सर्ज टैंक था उसके कंपेरेटिवली इसका साइज जो है वो कम होगा, इसका लेंथ जो है कम होगा, बट इट कैन स्टोर अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दूसरा काम होता है इंक्लाइंड सर्ज टैंक हम लोग बना देते हैं, क्यों बनाते हैं कि उसका लेंथ हमारा कम हो जाएगा,
ठीक है, हाइट हमारा उसका कम हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन सर्ज टैंक। और ज़्यादा अगर आपको हाइट कम करनी है और ज़्यादा वाटर स्टोरेज करना है, एक्सपेंशन सर्ज टैंक। टैंक तो हम इस तरह का हमारा टैंक बनाते हैं, यू कैन सी दिस। ये हमारा पेनिस्टो का पाइप है। ये सर्ज टैंक में क्या होता है, सिंपल पहले डायमीटर का पाइप होता है, उसके बाद एकदम से एक्सपेंशन होता है, रिजर्वायर टाइप यहाँ स्ट्रक्चर बना होता है। अब इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, ये एक तो ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकता है, और दूसरा ये कम हाइट पर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इट कैन स्टोर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, सो विच कैन बी सप्लाइड इन द टर्बाइन। तो इससे हमारा जो सर्ज टैंक का हाइट है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन चैम्बर सर्ज टैंक। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस सर्ज टैंक। अगर आपको और ज़्यादा हाइट को रिड्यूस करना है, ऑरिफिस सर्ज टैंक, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ऑरिफिस मीटर लगा देते हो। ऑरिफिस मीटर लगाने से होगा क्या कि जब वाटर यहाँ पर जाएगा तो ऑरिफिस में लॉसेस होंगे, और उन लॉसेस की वजह से जितना हाइट ऊपर राइज होना चाहिए था उससे कम हाइट राइज होगा, जिससे कि आपको सर्ज टैंक का जो हाइट है वो आपको कम बनाना पड़ेगा, तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका सेव हो जाएगा। तो दिस मैथड कैन ऑल्सो भी यूज फॉर सिंपल मैनोमीटर्स, मैनोमीटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग पाइप में एक मैनोमीटर लगा रहे हैं, सिंपल मैनोमीटर लगा रहे हैं, तो बेसिकली कई बार वाटर का हाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइज हो जाता है इन दिस मैनोमीटर, तो उसकी हाइट को लिमिटेड करने के लिए, मैनोमीटर की लेंथ को कम करने के लिए हम लोग ऑरिफिस लगा सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो हाइट है वाटर लेवल का वो ज़्यादा लेवल तक राइज नहीं होगा। तो वी द सेम कंसेप्ट यूज फॉर द सर्ज एक्सपेंशन चैम्बर सर्ज टैंक ऑल्सो। तो अगर उसका हाइट और कम करना है तो हम लोग यहाँ पर ऑरिफिस मीटर लगा देते हैं। उसके बाद फाइनली फिफ्थ होता है डिफरेंशियल सर्ज टैंक। तो इसमें ये हमारा पाइप है, और इस पाइप के साथ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, ओके। तो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको डिफरेंशियल सर्ज टैंक बोलते हैं। यहाँ पर बीच में छोटा सा ऑरिफिस मीटर लगा होता है, इसको हम लोग डिफरेंशियल सर्ज टैंक कहते हैं। इसका भी इसका एडवांटेज यही होता है कि इसका हाइट हमको कम रखना होता है, ज़्यादा हाइट पर हमें मेंटेन नहीं करना है, तो इससे हमारा जो सर्ज टैंक का हाइट है वो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इतने तरह के सर्ज टैंक होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे 5 टाइप के होते हैं, सिंपल, इंक्लाइंड, एक्सपेंशन चैम्बर, रिस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस और डिफरेंशियल सर्ज टैंक। काम क्या है, वाटर हैमर को एक्शन को प्रिवेंट करना, सेकेंड इमीडिएट वाटर सप्लाई को मेंटेन करना, इट विल स्टोर एज अ टेम्पररी स्टोरेज मीडियम की तरह काम करता है, सो दिस इज कॉल्ड सर्ज टैंक, ओके। वी विल ऑल्सो स्टडी द, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, अभी हमारा ड्राफ्ट ट्यूब रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में ड्राफ्ट ट्यूब से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पम्प ड्राफ्ट ट्यूब पे क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पम्प सिंगल, रेसिप्रोकेटिंग पम्प डबल, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पम्प, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास सेशन। एनी प्रॉब्लम इन एनी क्लास, एनी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट इन सर्ज टैंक, इन कैविटेशन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ टाइप कर रखे थे। ओके,
सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट. आज बच्चे थोड़ा कम थे बट कोई बात नहीं, जिस दिन भी ये होता है यूट्यूब फेस्टिवल उस दिन आपकी मुसीबत बड़ा बढ़ जाती है ना, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ क्लासेस इन यूट्यूब फेस्टिवल्स. सो नाउ क्लियर एवरीथिंग, सो वील मूव टू द नेक्स्ट सेशंस रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, और उसके बाद फाइनली 1 तारीख को हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है हाइड्रोलिक मशीन एंड फूड मैकेनिक्स का. तो एज आई प्रोमिस, आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फोकस है हाइड्रोलिक मशीन में दिस टाइम इज मोर अबाउट द क्वेश्चन. आई विल सेंड द PDF ऑल्सो, जितना भी मेरे पास PDF है आई विल सेंड इट, जितने भी नोट्स हैं इसका तो मैं तुम्हारे को पूरा PDF ही सेंड कर देता हूँ. वाट एवर नोट्स आई हैव आई विल सेंड इट. ओके, तो कहाँ से मैंने तुम्हें सेंड नहीं किया, पंप तो आई थिंक ऑलरेडी देयर, कहाँ से सेंड नहीं किया वो मुझे बता देना, ठीक है. आई विल सेंड इट. पूरा हाइड्रोलिक मशीन नहीं किया क्या? पूरा हाइड्रोलिक मशीन मैंने आपको सेंड नहीं किया है क्या? सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लासेस, मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच.